वालाम काजी साहब आप लोग भी कहते होंगे कि रोज़ रोज़ का मजाक ही शुरू हो गया ये लाइव वाला लेकिन वो मसला ये है कि कुछ लोग सवाल ऐसा कर देते हैं कि वो मैं सोचता हूँ कि बजाय इसके कि इनको जवाब गलादा में दूँ तो मैं उसको एड्रेस ही कर लूँ और कोई अगर ऐसी चीज़ हो तो उसको जो है लाइव ही कर लें छोटे से उसमें जो दिखाने वाली हो तो कोई ऐसा ही केस जो है ना वो आज का भी है अभी मेरे से किसी ने क्वेश्चन किया था कि जी पीपीसी की प्लेसमेंट का डाटा जो है वो किस तरह स्टडी किया जाता है तो मैंने कहा हम इसको कवर ही कर लें वालेकुम सलाम सबको तो मैंने कहा इसको ज़रा मैं स्क्रीन के ऊपर ही शो कर दूँ ताकि सारों का भला हो जाएगा तो मेरा ख़्याल में देख लें जल्दी से ताकि ये देखें जी आपके पी पी सी का जो कंसोल होता है एडवरटाइजिंग कंसोल जब आप सेलर सेंट्रल से आते हैं तो आप जब पेज पे आते हैं तो आपके सामने इस तरह का डाटा सामने आ जाता है जो इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर होपफुली नज़र आ रहा होगा तो अब लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि जी प्लेसमेंट जो है जब हम आप कहते हैं जी प्लेसमेंट का पता होना चाहिए प्लेसमेंट की कहानी की सारी समझ होनी चाहिए तो कैसे करें तो आपको ना उस, उस प्लेसमेंट का डाटा स्टडी करने के लिए क्या करना चाहिए कि ये यह यहाँ ना पोर्टफोलियो जो सबसे पहला काम आपने करना है ये पोर्टफोलियोज होते हैं आपके यहाँ पर आप नहीं जो कैंपेन्स बनाते हैं उनको पोर्टफोलियो असाइन कर दें जैसे ये नीचे आपको नज़र आ रही है क्रिएट क्रिएट पोर्टफोलियो यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे पोर्टफोलियो का नाम दे सकते हैं फर्स्ट करें मैंने नाम दे दिया इसको पोर्टफोलियो फोलियो वन का और उसके बाद वो कहता है जी आपने जो इसके अंदर ऐड करनी है कैंपेंस वो ऐड कर लें आप तो आप इसके अंदर ना वो ग्रुप कर सकते हैं उन कैंपेंस को जो आप आहदा आहदा स्टडी करना चाहें वो आप प्रोडक्ट वाइज़ कर लें या ऑटो एक तरफ कर लें मैनुअल एक तरफ कर लें मैनुअल एग्जैक्ट एक तरफ कर लें या जिस तो तरह भी आपका हो तो ये यह यहाँ से जो है ना ये ऐड कम्पेन्स का अगर आप बटन दबाएंगे ना तो कैंपेन्स खुल जाएंगी और वो कैम्पेन्स आप इसमें ऐड कर सकेंगे तो मैं अभी ये तो आप ख़ुद ही कर लेंगे जब आपको नहीं इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है सिर्फ टेक करना होता है सेलेक्ट करके इसमें ऐड हो जाती हैं तो हम चलते ये हैं कि हम इसको देखते हैं कि इस डाटा को स्टडी कैसे किया जाता है कि जब ये ग्रुप्स में आ जाएँ कैम्पेन्स आपके तो उसको स्टडी करने का क्या तरीका है उसको स्टडी करने का तरीका ये है कि आप जाएँ अपनी रिपोर्ट्स में एडवर्टाइजिंग की जब ग्रुप में आप डाल लें सारों को ये पहला स्टेप है ये ये कभी मिस नहीं करना वरना आप प्लेसमेंट का डाटा जो है वो स्टडी नहीं कर सकेंगे तो आप यहाँ कहते हैं जी क्रिएट रिपोर्ट और क्रिएट रिपोर्ट में आप स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट का अगर डाटा स्टडी कर रहे हैं तो ये सर्च टाइम की बजाय आप यहाँ पे प्लेसमेंट को सेलेक्ट कर लें और समरी की बजाय डेली करें और कम अज़ कम सिक्सटी डेज़ का डाटा जो है ना वो आप कलेक्ट कर लें कि सिक्सटी ये आपको रेंज यहाँ पर एक्टिव नज़र आएगी जितना आप कर सकते होंगे और जितना आप नहीं कर सकते होंगे वो भी आपको बताएँ अब ये देखें ये सब खत्म होगा ये पच्चीस से आप यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि ये पीछे डिम हुई हुई है सारी तो ये ही आप नहीं कर सकते तो आप ये जितनी डेट जो लास्ट डेट हो ना वहाँ से सिलेक्ट करके आज है फर्स्ट लेते हैं चौबीस तो ये चौबीस तक आप सिलेक्ट कर लें और इसको सेव करा लें तो अब ये रेंज आपकी सिलेक्ट होगी जो मैक्सिमम रेंज सेलेक्ट हो सकती है और फिर इसको यहाँ पे रन रिपोर्ट दबाएं और आपके पास एक रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी जो कि कुछ इस फॉर्मेट में होगी ये फॉर्मेट आपके सामने आ गया ये एक रिपोर्ट बनी हुई है आपके बाद डाउनलोड होकर आ जाएगी आप उसको डाउनलोड जब करेंगे तो, तो मेरे ख़्याल में थोड़ा इसको मैं बड़ा कर लूँ ताकि आप लोगों को समझ आए और मैं बता सकूँ कि प्लेसमेंट के लिए आप स्टडी करने के लिए डाटा को पीपीसी पी को किस तरह यूज़ करते हैं अब आपके पास ये आगे इसमें देख रहे हैं आप वो ग्रुप वन जो हमने वहाँ देखा था ग्रुप टू वो सारे हमारे पास यहाँ ग्रुप्स आ रहे हैं ठीक है 65 डेज़ का डाटा आपके पास आ गया अब आपने करना ये है कि आप होम पे जाएं और यहाँ पे सॉरी एन्जर्ट पे जाएं और प्राइवेट टेबल जो है या पीवेट टेबल जो भी आप कहते हैं उसको वो इसको एन्जर्ट करा लें यहाँ पर जब ये इन्जर्ट हो गया तो अब ये बड़ा काम बड़ा सादा सा और सिंपल सा है ये चार पाँच सिलेक्शन हैं जो आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी एक बार देख लेंगे वीडियो अगर आप भूल भी जाएंगे तो ये वीडियो दोबारा देख लीजिएगा तो आपको जो है ना ये प्राइवेट टेबल कैसे बनाना है ये आपको पता लग जाएगा बाद में भी अगर आपको कभी रेफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी एक आप इसमें पोर्टफोलियो का नाम सेलेक्ट कर लें एक इसमें आप ये सिलेक्ट करें कि आपने क्योंकि प्लेसमेंट का डाटा स्टडी करना है तो प्लेसमेंट को सिलेक्ट कर लें आपको इंप्रेशन भी स्टडी करने होंगे आपको क्लिक्स भी स्टडी करनी होंगी आपको टोटल स्पेंड का भी पता होना चाहिए कितना स्पेंड हो गया और आपको जो ये सेवन डेज़ टोटल यहाँ सेल्स लिखी हुई आ रही हैं लेकिन हैं ये सिक्सटी फाइव डेज़ की जब आपने रिपोर्ट की होंगी भाई ये टाइटल इसका ऐसा होता है ये ग्लच से अमेजोन की रिपोर्ट्स के अंदर एक तो आप ये सेवन डेज़ का वो कर लें अब आपके सामने ना ये कोई डाटा आ गया जो कि कंसोलिडेटेड फॉर्म में है कि टॉप ऑफ सर्च के ऊपर पच्चीस सौ कुछ इंप्रेशन पड़े उसमें एक सौ सोलह क्लिक्स हुई चौरानवे डॉलर का स्पेंड हुआ और इतने की सेल हो गई ये अब आपके सामने चीज़ें नज़र आ रही हैं अब ये स्पेंड और इसको आप कर लें डॉलर्स में कन्वर्ट ताकि आपको पता हो कि ये डॉलर फील्ड हैं अच्छा अब लेकिन इसमें जो है ना पूरा आपको पूरी पिक्चर फिर भी नज़र नहीं आ रही अब आपको ना ए कॉस इसके अंदर नज़र आ रही है और ना ही आपको सी सी नज़र आ रहा है यानी कि कॉस्ट पर क्लिक आप करने को तो यहाँ से भी एक कॉड सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी सी पी सी सेलेक्ट कर सकते हैं लेकिन ये ना इनके रिजल्ट्स ठीक नहीं होते तो हम ये करते हैं कि हम इसको ये जो एनालाइज़ का आपका टैब है ना जब ये पीवर टेबल के ऊपर होंगे आप तो एनालाइज का टैब दबाएंगे तो इसमें ये फील्ड्स आइटम एंड सेट्स आपकी एक्सेल में आ रहा होगा इसको जब आप क्लिक करेंगे तो एक फ़ील्ड आपने कैलकुलेट करानी है और आप उस फील्ड को नाम दे दें ए कॉज का और उसके बाद यहाँ पर आप चले जाएँ और सिलेक्ट आपको यहाँ से नीचे से करना पड़ेगा कि आपने टोटल स्पेंड कितना किया और आपकी डिवाइड बाय ये आप इन्जर्ट कर लें डिवाइड बाय जितनी आपकी टोटल सेवन डेज़ की जो यहाँ सेवन डेज लिखा हुआ रहा है लेकिन हैं सिक्सटी फाइव डेज़ की ये भी इन्जर्ट कर लें इनके डिवीजन करके आप इसे ओके okay करेंगे तो ये आपके पास ये एक ऑस का नया कॉलम एक आ गया ये आपके पास एक ऑस नज़र आ रही है इस टाइम ये इस वक्त डॉलर्स में नज़र आ रही है आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें ताकि आपको पता हो कि ये एक ऑज परसेंटेज में होती है उसके बाद आप आगे चले जाएं जी एक और फील्ड कैलकुलेट कराएं CPC की उसको नाम दे दें आप कॉस्पर क्लिक का और यहाँ पे आप टोटल स्पेंड कर लें ले लें ले, इसको इन्जर्ट करा लें डिवाइड कराएं इसको जितनी क्लिक्स पड़ी हैं उससे और इसको ऐड कर लें ठीक है जी ये अब आप आपके पास CPC भी आ गया इसको भी आप डॉलर्स में कन्वर्ट करें ठीक है जी अब ये आपके पास ना पूरी पिक्चर आ रही है बेसिकली ये सिलेक्शन आ रही है जो जो आपने की हुई है अगर आपको रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है तो और कभी दोबारा अपनी कैंपेंस को स्टडी करने के लिए इसमें क्या होता है कि अब उसने ना ग्रुप वन में जो कि के भी कैंपेंस थी वो फ़र्ज करें अगर आपने ऑटो रखी हुई हैं तो वो सारी ऑटो जो भी है वो आपने लहदा लहदा ऑटो लगाई होती हैं के सब्सिट्यूट की लादा लगी होती है कंप्लीमेंट्री की लादा लगी होती है लूज लूज़ मैच की लादा लगी होती है और क्लोज़ uh, मैच की लादा लगी होती है तो उसकी समेशन में डाटा आप इकट्ठे एक, एक ही जगह पर यहाँ पर देख सकते हैं कि टॉप ऑफ सर्च पर टोटल कितने इंप्रेशन आए कितने क्लिक्स आई कितना आपका स्पेंड हुआ इस टॉप ऑफ सर्च के ऊपर और उन कंपेन्ज में और आपको कितनी सेल्स उससे मिली और इस टॉप ऑफ सर्च के ऊपर आपकी ए कॉज कितनी है और टॉप ऑफ सर्च के ऊपर आपका सी सी क्या है कॉस्ट पर क्लिक इसी तरह आप देखें कि जहाँ ज़्यादा इंप्रेशन पड़ रहे हैं और क्लिक्स पड़ रही हैं और जो भी स्पेंड हो रहा है उसके अगेंस्ट जहाँ पे आपकी ये कॉस्ट कम आ रही है जैसे कि ये थर्टी परसेंट वाली इस पर्टिकुलर केस में तो यहाँ पे आपका रिटर्न सबसे बेहतर है यहाँ पे आपकी ये कॉस्ट जो है सबसे कम है कम स्पेंड करके आप ज़्यादा सेल कर रहे हैं तो ये आपकी प्रेफर्ड पोजीशन होगी जहाँ पर आपको बिड करना चाहिए तो मैंने ये सोचा कि यहाँ कसी पी सी भी देखें सबसे कम है मैंने ये सोचा कि लोग जो सवाल कर रहे हैं तो मैं एक छोटा सा क्विक सी वीडियो कर दूँ ताकि आप इसको खुद डाटा को खुद एनालाइज करने की पोजीशन में सारों का भला हो जाए और सारे इसको यूज़ कर सकें तो ये हैं मामला और ऐसे जो है आप प्लेसमेंट का डाटा स्टडी करते हैं और प्लेसमेंट के डाटे को स्टडी करके उसको इंटरप्रेट करके अपनी कंपेंस की ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है उसको बेहतर कर सकते हैं अब देखें ये जो ए कॉज अभी अबू बकर ने एक सवाल किया था कि साढ़े छः परसेंट ए कॉज का देखिए वो स्ट्रैटेजी पे भी डिपेंड करता है आपकी प्राइस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी प्राइस क्या है प्रोडक्ट की बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं पहले आप डाटा को पढ़ना समझना सीखें उसके बाद ये कॉज कंट्रोल हो जाती है ऐसा कोई मसला नहीं ये जो अभी यहाँ छत्तीस चालीस परसेंट की ये कॉज आ रही है ये प्रोडक्ट इस वक्त लगा हुआ है रैंकिंग के ऊपर और ये बेहतरीन एक कॉज है जो 36 परसेंट की एक कॉज अगर आ रही है और ऑटो की 36 परसेंट की एक कॉज है और आपको पता कि आप अग्रेसिवली बिड कर रहे हैं तो ये बेहतरीन एक कॉज है हालांकि वो उस बंदे का भले प्रॉफिट मार्जिन इसमें 30 परसेंट का हो या 35 परसेंट का हो ये उससे ऊपर हो भले लेकिन क्योंकि आपका पर्पज़ क्या है देखना यह होता है कि पर्पज़ आप जो जो कैंपेन आप चला रहे हैं वो किस चीज़ को मद्देनजर रखे अगर आप कर ही उसको रैंकिंग के लिए यूज रहे हैं तो ये कॉज तो ऊपर होगी ही हो होगी ऑब्वियसली आपके ब्रेक इवेंट से तो ये चीज़ें ये बाद की कहानी है सारी आपको पहले अपने टूल्स पूरे करने टूल्स से क्या मतलब अपना स्किल के लिए जो चीज़ें आपको नॉलेज चाहिए वो नॉलेज पहले एक बार पूरा कर लें एक काज को काबू करना मसला ही कोई नहीं है आप जब आपके पास स्किल होगा जब आपके पास चीज़ें होंगी आपको गुर पता होंगे सारे के सारे और या डाटा को इंटरप्रेट कैसे करना है या उसको समझना कैसे है तो भाई आप तो आपको डाटा खुद बता रहा होगा कि करना क्या है या कैसे हैंडल कर रहे हैं आप सिचुएशन को आप मुझे बताएं कि ये जो आपके सामने यही सिर्फ तीन ग्रुप खुले हुए हैं टॉप ऑफ द सर्च और ये प्रोडक्ट पेजेस और रेस्ट ऑफ द सर्च ये अब फर्ज करें ऑटो लगी हुई है तो आपको नहीं नजर आ रहा कि कहाँ पे आपको बिड करना चाहिए ज़्यादा कहाँ पैसे ज्यादा लगाने चाहिए आपको किस प्लेसमेंट के ऊपर तो यहाँ प्लेसमेंट का डाटा ऐसे एक मिनट में आप एनालाइज कर लेते हैं मसला को ही कोई नहीं होता इस तरह बिड आपके पास होती है आपको आपके क्लोज मैच टाइप या जो भी लूज मैच टाइप या सब्सिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट वो भी आपके पास होता है तो आप असल में आपको नॉलेज पहले इकट्ठा करना है जब आप नॉलेज कर लें फिर रिजल्ट्स को पढ़ना आपको आना चाहिए जब आपको रिजल्ट को पढ़ना आना आ, जा, आ जाएगा तो फिर तो ये वॉक इन द पार्क है फिर मसला क्यों नहीं है डाटा खुद बता रहा होगा आपने करना क्या है तो ये मसला नहीं है ये इन चीज़ों पर अभी तवज्जो देना छोड़ दें अब यू एस ए में आ, अगर किसी बंदे की 30 परसेंट एक और तो वो छलांगे मार रहा होता है कि मेरी 30 परसेंट एक और मैं तो बेहतरीन जा रहा हूं जबरदस्त जा रहा हूं यू uh, के में किसी की सात परसेंट भी आती है तो वो रो रहा होता है कि मेरी सात परसेंट क्यों आ गई यहाँ तो लोग दो दो परसेंट के ऊपर बेच रहे हैं तो ये सारा जो निज़ाम है ना ये ये मार्केट के कंपटीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है या आपके प्रोडक्ट की प्राइस के ऊपर भी करता है आपके प्रोडक्ट की निच की कंपटीशन के ऊपर भी करता है आपकी बिल्डिंग स्ट्रैटजी पे भी करता है कि आप क्या स्ट्रैटी लेके चल रहे हैं रैंक करा रहे हैं स्केल करा रहे हैं एडवर्टाइज़ uh, uh, कर रहे हैं आप क्या करें वो इन सारी चीज़ों के लिहाज से वो uh, चेंज होते रहते हैं ए कॉज किसी दिन आपकी एक क्लाइंट जो है ना वो आपको हर वक्त चीख रहा होगा ए कॉज ज्यादा है एक कॉज ज्यादा है मैं आज आपको बताता हूं कि एक कॉज की वैल्यू ही कोई नहीं है एक कॉज तो टका टोकरी चीज है एक ऑज तो असल आ, इंडिकेटर ही नहीं है परफॉर्मेंस को टेस्ट करने का असल इंडिकेटर जो है वो किसी भी एडवर्टाइजर से पूछे आपके यहाँ ग्रुप में भी कई एडवर्टाइज होंगे वो होता तो है रो एज रिटर्न ओवर एडवर्टाइजिंग सेल कि आपने जो एक रुपया लगाया या एक डॉलर लगाया उसके ऊपर आपको वापस क्या मिला ये होता है असल के आप कम पैसा लगा के ज्यादा रिटर्न ले लें असल ऑब्जेक्टिव ये होता है तो ये ए कॉज तो भाई ये तो वो जो होते हैं ना कच्चे प्लेयर ये कच्चे प्लेयरों के लिए होती है एक कॉज जो अगर आपको कोई आइंदा क्लाइंट कहे या आपका को कोई कोई भी बंदा आपको कहे ना कि आपकी ये कॉज बड़ी ज्यादा है तो उसको कहे भाई तू मुझे पहले ये बता कि रो क्या होती है और मुझे बताओ कि रो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ए कॉज ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो जो जाए समझदार आदमी होगा ना या जिसने एडवर्टाइजिंग की होगी या जिसको पता होगा कि रो क्या होती है तो वो कॉज का आपसे पूछेगा ही नहीं वो आपसे पूछेगा आज आपने मेरे से फिफ्टी डॉलर स्पेंड कराया उस फिफ्टी डॉलर के ऊपर मुझे रिटर्न क्या मिला वो रो एज़ का पूछेगा आपसे जो क्लाइंट समझदार होगा ना वो रो एज़ पूछते हैं वो एक कॉज नहीं पूछते हैं हाँ लेकिन अगर उनको नहीं पता तो ठीक है अगर आप एक आप रो क्योंकि ए कॉज अगर अच्छी भी चल रही हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि रो एज़ आपका बहुत अच्छा है रो एज़ एक और चीज़ है वो फिर हम किसी वक्त डिस्कस करेंगे बड़ी डिटेल में ये सी बड़ी बहुत बड़ी जहनम है हम इसको किसी वक्त ऐसा ऐसा करके कवर करेंगे चीज़ों को फिलहाल आपको ये समझने की ज़रूरत है बेबी स्टेप्स छोटे छोटे स्टेप्स कॉन्सेप्ट क्लियर करें चीज़ों को समझें करते कैसे हैं डाटा को कैसे इंटरप्रेट करते हैं और ये ऐसा ऐसा जैसे जैसे आप छोटी छोटी चीज़ों को कवर करते जाएंगे ना एक टाइम आएगा आप गुरु बन जाएंगे गुरु होंगे आप वो ठीक है उसमें टाइम लगता है यार हमें भी हम कोई पहले दिन से माँ के पेट से कोई भी नहीं सीख के आता धके खाने पड़ते हैं रिसर्च करनी पड़ती है लोगों के साथ टाइम गुजारना पड़ता है सीनियर्स के साथ टाइम गुजारना पड़ता है लोगों से मसले डिस्कस करते हैं वो आपको सोलूशंस बताते हैं आप अपना अप्लाई करते हैं माइंड फिर चीज़ें ऐसा ऐसा परस्पेक्टिव में आना शुरू होती हैं मैं आपको एक बात बॉटम लाइन ये कहता हूँ कि अगर आप सिर्फ इस ग्रुप के अंदर टाइम स्पेंड करके और ये लेक्चर्स अगर सिर्फ देख लेना जब हम ये कवर कर लेंगे तो आप किसी भी पेड कोर्स से ज़्यादा बड़े चैंपियन होंगे ये मैं आपको बता दूँ अगर अभी भी आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं हुआ तो फिर फिर आपको कभी अंदाज़ा नहीं होगा तो मकसद कहने का यह है कि बेबी स्टेप्स के ऊपर बिलीव करें जल्दी कोई ना करें अब मेरा मसला ये है कि मैं एक वक्त में एक या दो टॉपिक्स लेके आपके साथ चल सकता हूँ रोज़ को कई क्वेश्चन आते हैं आठ दस क्वेश्चन मेरे पास आते हैं मैं किसी और मसले में फंसा होता हूँ मैं सारों को सारों को जवाब भी बाज़ात नहीं दे पा दे पाता क्योंकि हर वक्त बंदा फ्री भी मैंटली नहीं होता लेकिन जब जैसे ही मेरे पास टाइम कोई मुझे निकलता और मुझे लगता है कि ये ये चैप्टर या टॉपिक ये, ये इंपॉर्टेंट है और या ये मैं लोगों को आ, आ, मुझे बताना चाहिए जाके मास लेवल के ऊपर तो मैं ग्रुप के ऊपर आके वो लाइव सेशन या कोई इस तरह का कर लेता हूँ प्लान लेकिन आपने देखा हो स्ट्रक्चर्ड वे में भी हम साथ साथ चल रहे हैं हम वो लिस्टिंग की साइड पे हम एक प्रॉपर वे में चल रहे हैं जिस पर हम पूरा कंप्लीट करेंगे और कुछ हैफ हाइजर्ड भी चीज़ें बीच में होती हैं दरमियान में आ जाता है कोई सो के उठता है सुबह उसकी कंप्लेन अच्छी नहीं चल रही होती वो आ जाता है रजवान भाई बस मुझे तो अभी मुझे सोल्यूशन चाहिए और मुझे नहीं पता लग रहा ये हो गया वो हो गया फिर वो होता है कि जब उनको जवाब देना होता तो फिर मैं सोचता हूँ कि चलो यार इसको तो मैंने जवाब देना ही है इसको भी वीडियो से जवाब मिल जाएगा और छः सौ लोगों का भी भला हो जाएगा तो मकसद कहने का ये है कि आप थोड़ा सा इंतज़ार फरमाएँ थोड़ा पेशेंट हों सब कुछ यहाँ पे ग्रुप पे इंशाल्लाह अवेलेबल होगा वक्त के साथ साथ और आप बेबी स्टेप्स पे बिलीव करें जल्दी ना करें कोई भी बंदा जो है ना ओवरनाइट नहीं चैंपियन बन सकता भाई अमेजान सेलिंग का थोड़ा टाइम लगता है तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें मेरा भी थोड़ा ख्याल करें मैं जो जितना मेरा कोशिश होती है कि जितने चैप्टर्स मैं आ, कर सकूं एड्रेस एक दिन में या जितने क्वेश्चंस वो मैं कोशिश करता हूं करता हूं पिछले एक दो दिन से Uh, काम का बर्डन भी थोड़ा हम पे ज़्यादा है क्योंकि मामला आपके सामने ही हैं जिस तरह से सेलिंग का सीन चेंज हो रहा है सर्च वॉल्यूम बड़ी एब्रप्टली चेंज हो रहे हैं और लोगों के और मसले मसाले मसाइल भी आ रहे हैं ऐसा ऐसा लगे रहेंगे हम हमें क्या है दो महीने लग जाएंगे तीन महीने लग जाएंगे चार महीने लग जाएंगे लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम वो चीज़ें कवर कर लेंगे जो आपने तस्वुर भी नहीं किया होगा किसी ग्रुप के ऊपर देखना भी तो या तो आप सब्र कर लें या फिर आप जाएँ पेड कोर्स ले लें भाई फिर फिर यही मैं कह सकता हूं आप वहां का शौक भी पूरा कर लें तो या फिर हमारे साथ चलें सकून सुकून आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं और दो चार महीने में इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ द ईयर यहाँ से ये जो दो तीन सौ लोग या सौ लोग जो कोई रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं चीज़ों को वो चैंपियन बन के निकलेंगे हमें इतना ही चाहिए मैंने उस दिन आपको कहा था हमें एक अठारह सौ लोग नहीं चैंपियन चाहिए हमें तो एक सौ अस्सी भी बहुत हैं अगर एक सौ अस्सी भी हमें चैम्पियन मिलने हैं ना छः महीने के बाद ग्रुप के अंदर से तो हम उसी पर राजी हैं क्योंकि वो एक सौ अस्सी अठारह सौ खुद ही पैदा कर लेंगे तो ये मामला हैं तो ये था जी आज छोटा सा कोई एक सेशन था फिर अब मैंने कहा दिल की भड़ास भी साथ ही निकाल लें ठीक है जी तो कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों के माइंड में है भी तो वो पूछ लें भाग ऐसा ऐसा स्लो स्लो बी अश्योर्ड कि हम स्लोली बट स्टेडीली जा रहे हैं अपनी उसकी तरफ यार ये टैब्स मुझे लगता है बंद ही कराना पड़ेंगे मुझे कि जो सारी दुनिया मुझे यही टैब्स 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 ही कहती रहती है हर लेक्चर में ये सवाल ज़रूर होता कि है कि टैब्स क्यों खुले हुए हैं और भाई छोड़ दो यार टैब्स अगर खुले भी हुए मैं मुझे भी पढ़ने दो कोई सीखने दो यार मैं अगर किसी से सीख ही रहा हूँ किसी अच्छे समझदार आदमी से ठीक है जी तो ये मामलात हैं ऐसा आता लगे रहते हैं और इन शल्ला दो चार छः महीने में हम कहीं पहुँच ही जाएँगे ठीक है थैंक यू वेरी मच अभी